बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, टुडे इज़ माय 16th लेक्चर ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी क्लास 12th आई कम फॉर वीक 9th। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हस्बे मामूल हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो लेक्चर दिया हुआ था उसको रीकैप करते हैं। तो आज का जो लेक्चर 16 है वीक 9 के लिए, इसका टॉपिक है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से कबल हम प्रीवियस लेक्चर को रीकैप करते हैं, रीकैप करते हैं और फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो जो गुज़श्ता जो प्रीवियस लेक्चर था 15 और वीक 8 के लिए, इसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एक था वेबर्स थियोरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909 और दूसरा था टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर इंडस्ट्री, जो कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ये दोनों जो है वो टॉपिक्स अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं वेबर्स थियोरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909। The role of transport cost in industrial locations is central to the theory of industrial location, which is presented by Alfred Weber in 1909. ये theory 1909 में Alfred Weber ने पेश की, और इस industrial location theory में जो मरकजी industrial location जो role था वो role of transport cost। According to this theory, Alfred Weber assumed that the source of the industrial raw material and the market for the finished goods or products were in different places. कि ये जो industrial raw material है और जो finished good products हैं, ये finished goods है या products हैं, वो different places पर हैं। As in practice they are always interconnected, लेकिन ये market industrial जो लोकेशन है और जो इंडस्ट्री है या जो आपका जो तीसरा पर रॉ मटेरियल्स है, ये डिफरेंट प्लेसेस है लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ही फर्दर अज्यूम्ड दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टू द वेट ऑफ द गुड्स बीइंग मूव्ड। ये जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है ये डायरेक्टली लिंक करती है, वेबर कहता है कि ये डायरेक्ट जो है वो डिस्टेंस से और वो जो फिनिश्ड गुड्स है जो तैयार शुदा अशिया है उसके वजन से इसका ताल्लुक है। द बेस्ट लोकेशन ही क्लेम्ड इज दैट इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में जो बेस्ट लोकेशन वो जिसका वो दावा करता है वो क्या है कि विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन द टू पॉइंट, यानी दो मकामात के दरमियान जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को या जो उसकी कास्ट को कम करे, तो उसको यानी एक चीज जो इंडस्ट्री के अंदर तैयार होती है और जब उसको मार्केट तक लाया जाता है तो उसके दरमियान जो ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च आता है तो वो मिनिमाइज कम से कम होना चाहिए, जिससे वो चीज मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो सेल हो। ये था वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 19 जो कि हमने डिटेल के साथ उस वक्त भी पढ़ा था, इस मैंने दोबारा इसको रिपीट भी किया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो हमने पढ़ा था कि देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वन इज कॉटेज आर हाउस होल्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सेकेंड इज कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, थर्ड वन इज सिंपल आर प्राइमरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, और फोर्थ वन इज कम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। कॉटेज आर हाउस होल्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन मैनुअल पावर, यानी इसमें तमाम काम जो है वो दस्ती कुवत से यानी हाथ से किया जाता है, और दिस इज कैरीड ऑन इन द होम्स, और ये सारा काम जो है घरों में होता है, छोटे पैमाने पर होता है। देयर प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाई द फैमिली मेम्बर्स एंड रेयरली गो टू द लोकल मार्केट। Human civilization started with this type of industry and is still practiced in all
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आज भी दुनिया के बड़े बड़े बहुत सारे ममालिक में इस सन से वाबस्ता लोग लाखों और करोड़ों की तादाद में। कुकिंग एंड सेइंग सीइंग आर हाउसहोल्ड इंडस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स, खाना पकाना और सिलाई कढ़ाई का काम जो है ये जमाना कदीम से ये घरेलू सनत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। द मेकिंग ऑफ चाइनीज हेयरस, तुर्किश रॉक्स, ईरानियन कॉर्पेट्स, कश्मीरी शॉल्स एंड स्विस टाइज आर मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री की मॉडर्न फॉर्म्स है। इसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, तो वो थी कम्युनिटी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री ड्रॉज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, यूजेस स्मॉल मोटिव पावर, इम्प्लाइज अ नंबर ऑफ वर्कमैन एंड प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर लोकल कंजम्पशन। नो कम्युनिटी विल लाइक टू डिपेंड्स अपॉन आउटसाइड फॉर द सप्लाई ऑफ आइस एंड ब्रेड, इट मस्ट हैव इट्स ऑन प्रिंटिंग प्रेस, आइस प्लांट, बेकरी एटसेट्रा विद इन इजी रीच, कारपेंटर्स, मैसन्स एंड इलेक्ट्रिशियन इजीली फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर ऑन टाउन्स एंड विलेज। यानी इसके बारे में ये कि इन संतों का क्याम का मकसद बड़ी संतों में इस्तेमाल होने वाले जो आप कह सकते हैं कि इस किस्म की संतों में उमूमन महदूद छोटे पैमाने पर अशिया तैयार की जाती है और इसका इस्तेमाल भी उमूमन महदूद इलाके या उसी कस्बे तक होता है और कम तादाद में मुलाजम रखे जाते हैं और छोटे पैमाने पर मशीनों और कम यानी कुव्वत का इस्तेमाल होता है, मसलन बर्फ के कारखाने, डबल रोटी, बेकरी का काम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो कारपेंटर्स हैं, मैसन हैं, इलेक्ट्रिशन, उनको इजीली अपने होम टाउन्स में जॉब मिल जाती है। इसके बाद है सिंपल टाइप ऑफ इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री एम्स एट रिड्यूसिंग द बल्क और रॉ मटेरियल्स और मेकिंग देम प्रिजर्वेबल और ट्रांसपोर्टेबल। दे जनरली प्रिपेयर प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन अदर इंडस्ट्रीज, द स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स, द ग्राइंडिंग ऑफ फ्लोर, द साइंग ऑफ टिम्बर, द मेकिंग ऑफ पल्प, द कैनिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड द पैकिंग ऑफ मीट्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि ग्राइंड ऑफ फ्लोर मिल्स हो गई, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को पिघलाना और इन संतों के क्याम का मकसद बड़ी संतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल के वजन को महदूद करना था ताकि नकल अमल में आसानी रहे, और ऐसी संतों में उमन खाम माल को उसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां वो दस्तियाब होता है। और इसी तरह लोहे की जो आप कहते हैं कि जो आयरन हो रहा है उसको चट्टानों से पिघला कर अलहदा किया जाता है और फिर पीक आयरन तैयार करके बड़ी स्टील मिलों में बेचा जाता है और इससे वजन भी कम हो जाता है और नकल अमल में भी आसानी होती है। फिर है कॉम्प्लेक्स टाइप आर हैवी इंडस्ट्री। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर एंड रॉ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट वराइटीज आर कंज्यूम्ड यूजुअली ओनली वंस। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन आर एम्प्लॉयड, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आर यूज्ड एंड कैपिटल आर कंज्यूम्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी मौजूदा दौर की बड़ी संतों का शुमार यानी पे इस कम्प्लेक्स या हैवी इंडस्ट्री में होता है और इनमें वसी पैमाने पर माल, खाम माल और तवानाई का इस्तेमाल होता है और एक कारखाने में हजारों कारीगर, लाखों की तादाद में कारीगर काम करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी स्टील मिलें हो गई, मोटर गाड़ियों के कारखाने, असला साज कारखाने, जहाज साजी का काम और बेशुमार संतें इस जुमरे में आती हैं। और बैन अलाक्वामी जो इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड है, इसमें इस हैवी इंडस्ट्री का बड़ा किरदार है। तो ये था टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 16 वीक 9। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और थर्ड वन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम द आयरन ओर, और फोर्थ है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।
प्रोडक्शन ऑफ आयरन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. द अर्लियर आयरन इंप्लीमेंट्स डिस्कवर्ड डेट बैक अबाउट 3000 BC. यानी इसमें कहा गया है कि जो आयरन इंप्लीमेंट्स, जिसको आप औजार, लोहे के औजार 3000 कबल मसीह में दरियाफ्त हुए. While Greeks were aware of steel manufacturing about 1000 BC, जबकि यूनान वाले 1000 कबल मसीह में स्टील की जो अशिया हैं या जो स्टील से बनने वाली अशिया को बनाते थे उससे वो अवेयर थे, उससे वाकिफ थे. All the iron alloys made until the 14th century AD would be classified today as wrought iron. This iron usually contained about 3% of slag and other impurities. इसमें यानी 3% slag है और दूसरी ग्लाजर वगैरह लगी रहती है. Modern steel making implies blast furnaces that are merely refinements of the furnaces by the old workers. The process of refining molten iron with blast of air was accomplished by the British inventor Sir Henry Bessemer, who developed the Bessemer furnace in 1885. Yani Bessemer ne jo ek inventor ek jo bhatti banayi thi jiska naam tha Bessemer furnace, ye 1855 yani 1855 mein usne is bhatti ko तैयार किया था. Since the 1960s, steel have been producing in electric furnaces. जबकि 1960 के बाद दुनिया में आप कह सकते हैं कि electric furnaces से जो है वो steel produce की जाने लगी. तो it means हम कह सकते हैं कि introduction में कि 14वीं सदी के वस्त से 19वीं सदी के आखिर तक ज्यादातर काम कोयला अहम तरीन जरिया कुव्वत इस्तेमाल होता जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था. फिर 18वीं सदी की इब्तदा से ऐसा कोयला जिसमें कार्बन के इज़ा ज्यादा होते थे और फुलाद साजी के लिए इस्तेमाल मौजूद था, फिर इस्तेमाल में आने लगा और 1735 में इसका इस्तेमाल आम हो गया. जिस यानी वो कारण जिसके वो कोल जिसके अंदर कार्बन के पार्टिकल ज्यादा होते हैं वो इस्तेमाल होने लगा, जिसको एंथ्रासाइट के नाम से पुकारा जाता है. मौजूदा दौर में मखसूस फिर 19वीं और 20वीं सदी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियां आई और ब्लास्ट फर्नेस बनाई गई जिससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आसानी पैदा हो गई. मौजूदा दौर में मखसूस अकसाम की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए निकल, क्रोमाइड, मैगनीज वगैरह का इस्तेमाल, लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है. दुनिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जब से जो 1855 में बिस्मर ने, हेनरी बिस्मर ने जो बिस्मर फर्नेस ईजाद किया, फिर ओपन आर्क और फिर इलेक्ट्रिकल फर्नेस के ईजाद से इस्तेमाल से दुनिया में जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनकलाब रोनमा हुआ. अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, ये डायग्राम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में देख लेंगे. ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें ये आयरन स्टील बार तैयार हो रहे हैं, ये स्टील के बार हैं, ये कॉलम्स हैं. फिर आप देख लेंगे ये सेकंड डायग्राम में ये इसको मल्ट किया जा रहा है, इसको स्मल्ट किया जा रहा है आयरन को, और इससे मुख्तलिफ अशिया या जो आयरन एंड स्टील इन प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं. सेकेंड टॉपिक है फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डिवेलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. लोअर फौलाद की सनत में के लिए मौजू अवामिल जिसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं और दूसरे जो हैं वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं. सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स में देखें रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल में सबसे पहले आयरन और यानी खाम लोहा, लाइमस्टोन, मैग्नीज, निकल वगैरह की जरूरत पड़ती है. तो खाम लोहे को पिघला कर इससे जो इम्प्योरिटीज हैं उनको साफ करके पिग आयरन में तैयार किया जाता है. लिहाजा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन ओर को बतौर खाम माल यानी रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ चूना यानी लाइम भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में खास अहमियत रखता है. लाइम से लोहे के पिघलने का दर्जा रद्द कम हो जाता है यानी उसका टेम्परेचर गिर जाता है और इससे जो
आप कह सकते हैं पोल्यूशन कम करने में भी मदद मिलती है। 1 टन लोहे को पिघलाने के लिए 1 टन जो है वो लाइमस्टोन की जरूरत होती है, और फोलासाजी यानी आयरन इंडस्ट्री में उमन इस जगह कायम की जाती है जहां आपको खाम लोहा यानी आयरन और वाफर दस्तियाब हो, या फिर कोयले की काने यानी कोल जो है वो दस्तियाब हो। सेकेंड वन है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इसमें आप कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले कोयले से काम होता था, अब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हाइड्रो भी इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल होती है, थर्मल भी, न्यूक्लियर भी, और सोलर एनर्जी भी इस्तेमाल होने लगी है। ऐसा हम कह सकते हैं कि फौलाद साजी के कारखानों के लिए कहावत भी है कि आयरन मूव्स टू कोल, के लोहा कोयले की तरफ सफर करता है। ये वजह कि जिन ममालिक में लोहा तो है लेकिन कोयला नहीं है, वहाँ फौलाद यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर कायम नहीं हो सकी है, और जिन ममालिक में कोयला यानी कोल है और लोहा नहीं है, वहाँ आप कह सकते हैं कि फौलाद की सनत बड़े पैमाने पर, जिस में आप जापान की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर है वाटर रिसोर्सेस। तो अवेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ लाइट यानी साल्ट फ्री वाटर, अबाउट 65,000 गैलन्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 टन स्टील। 1 टन स्टील तैयार करने के लिए आपको 65,000 गैलन वाटर की जरूरत पड़ती है। लिहाजा दुनिया के वो इलाके जहाँ आप कह सकते हैं दरियाएं, झीलें या साहिल समुंदर के इलाके, वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई जाती है, और इसलिए कि वहाँ पर पानी आपको आसानी के साथ दस्तियाब होता है। फिर है मार्केट। मार्केट में लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट है। तो आप फौलाद जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की सनत के लिए लाजमी है कि ऐसी मंडियों में असर हो जहाँ आसानी से आपकी जो मैनुफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी खपत हो सके। फिर है यूज कैपिटल। यूज कैपिटल के लिए वाफर सरमाए में आप कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री एंड हैवी अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल, लार्ज लैंड एरिया एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए आपको यूज कैपिटल चाहिए। फिर है कॉस्ट ऑफ लैंड। आपने जमीन को खरीदना है तो जमीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो कि जहाँ पर पानी आसानी के साथ दस्तियाब हो, और जमीन वो आपको यानी ज़्यादा कॉस्टली ना हो, यानी मुनासिब कीमत में वो आपको दस्तियाब हो। फिर स्किल लेबर। तो दौरे जदीद की फनी तरक्की के बावजूद आप कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में मेहनत कशों और मखसूस किस्म के जो स्किल लेबर की बड़ी ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट की खिदमात बैरूनी ममालिक से भी हासिल करनी पड़ती है, चूँकि अपने मुल्क में अगर एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल एक्सपर्ट तो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ज़राए नकल व मुल को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि कोल, लोहा और चूना उमन एक जगह तो मौजूद नहीं होते, और किसी एक चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए आपको रेलवे लाइन, सड़कें, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक्स, रेलवे, डंपर्स चाहिए होते, और इस ऐसे कारखाने और ये मवाद जो है वो कारखानों तक पहुँचाया जाता है। लिहाजा नकल व अमल के ज़राए का मुनासिब इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि रोड, रेलवे एंड सी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इज नेसेसरी फॉर फैक्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ये थे फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। खाम लोहे से आप कैसे लोहा या फौलाद तैयार कर सकते हैं। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील, पिग आयरन इज स्मेल्टेड इन स्टील फर्नेसेस। पिग आयरन जो देगी लोहा होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसको सबसे पहले स्टील फर्नेसेस के अंदर पिघलाया जाता है, एंड इज फ्रीड ऑफ फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, और उससे तमाम इम्प्योरिटीज को साफ किया जाता है। देन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन इज एडिड टू द प्योर आयरन। फिर इस प्योर आयरन के अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ
स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन उसके अंदर शामिल किया जाता है टू कन्वर्ट इट इंटू स्टील, ताकि ये स्टील यानी फौलाद में तब्दील हो सके। मैगनीज इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में या फौलाद साजी में मैगनीज भी एक अहम एलिमेंट है। अबाउट 14 pounds ऑफ मैगनीज इज नीडिड 1 ton ऑफ स्टील, 1 ton स्टील तैयार करने के लिए आपको 14 pounds ऑफ मैगनीज की जरूरत पड़ती है। प्रोबेबली 90% ऑफ वर्ल्ड आयरन, दुनिया का 90% जो लोहा है तकरीबन, इज नाउ कन्वर्टेड इन टू स्टील, अब वो स्टील में तब्दील किया जाता है। फ्राम आयरन ओर टू स्टील, खाम लोहे से फौलाद बनाने में देयर आर 3 major stages ऑफ प्रोडक्शन, तो 3 stages हैं प्रोडक्शन की, यानी जब खाम लोहे को स्टील में लाया जाता है। फर्स्ट आयरन ओर रिडक्शन, सबसे पहले खाम लोहे को साफ किया जाता है ब्लास्ट फर्नेसिस के अंदर, उसको पिघलाया जाता है, इम्प्योरिटीज साफ की जाती हैं, फर्दर प्योरिफिकेशन इन स्टील फर्नेसिस, फिर इसको आगे प्योरीफाई करने के लिए स्टील फर्नेसिस में डाला जाता है, एंड देन शेपिंग इन रोलिंग मिल्स, और फिर ये कॉलम्स में सलाखों की शक्ल में ये और सामने आता है जो इसको लास्ट स्टेज होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर के खाम लोहे से जो है वो फौलाद या लोहा कैसे तैयार किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया है कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। और इसके लिए ये डायग्राम भी है, डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। ये देखें, ये एफी मीन यानी आयरन ओर है, ये कोल है, ये कोक किलन है, यानी ये यानी वो भट्टी वो चिमनी है जिसके अंदर ये कोयला वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन उस कोयले को धुएं को खारिज करने के लिए चिमनी लगी हुई है, लाइम स्टोन है, फिर इन सब का अमर से डायरेक्ट रिडक्शन फर्नेस है, फिर आप इधर देखें तो नेचुरल गैस, फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, फिर मेटलर्जिक ड्रम है, फिर कंटिन्यूस कास्टिंग हो रही है, और लास्ट स्टेज पर ये देखें शीट प्रोड्यूस हो रही है, ये लॉन्ग प्रोडक्ट्स कॉलम्स बन रहे हैं, ये सलाखें बन रही हैं, और ये ब्लास्ट फर्नेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, को रस्ट एक तरफ जंग वगैरह आलू वगैरह उसको अलग गया, और ये कास्ट आयरन को इस साइड पर, और फिर इससे फिर ये इन इन गॉड आयरन, ये उसके छोटे छोटे टुकड़े या स्लैब्स तैयार होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। फिर है दुनिया में जो इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में लोहा और फौलाद यानी लोहे और फौलाद की जो सन्नत है, लोहे और फौलाद की सन्नत, इसकी तकसीम क्या और इसकी पैदावार क्या, कौन कौन से ममालिक इसकी इस सन्नत में सरे फरिस्त हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज सो ह्यूज एंड डाइवर्स इन इट्स रेंज दैट इट्स लोकेशन कवर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट 28 countries ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील एट लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पजेज, यानी दुनिया में 28 ममालिक ऐसे हैं जो कि वसी पैमाने पर लोहे और फौलाद की अशिया तैयार करते हैं और कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल जो इस्तेमाल होती हैं। एज अ होल 65 countries हैव आयरन एंड स्टील इन, और दुनिया में 65 countries जिनके पास जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें चाइना जो है वो सरे फहरिस्त है, सेकंड जो है जापान है, थर्ड वन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और फिर है रशिया, फिर इंडिया, फिर साउथ कोरिया है, फिर जर्मनी है, फिर यूक्रेन, और फिर ब्राजील, स्वीडन और इटली एक्सेट्रा। तो इन ममालिक को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस मैप की मदद से एक एक हर एक ममालिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाइना, ये उसकी पैदावार दिखाई गई है वर्ल्ड मैप ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जिसमें टॉप 20 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज 2016 मिलियन टन में, उसकी 2016 में उनकी मिलियन टन पर, जिसमें सबसे पहले है चाइना, जिसकी पैदावार 2016 में 808.4 million tons थी। तो चीन के बारे में आप देखें कि द हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना इज वेरी ओल्ड,
but scale of production was not very significant. The modern blast furnace was erected in 1980 in China. First modern steel plant was constructed in Manchuria. Today, the iron and steel centers in China are located in southern Manchurian region, northern China, and Yangtze Valley, Mokden, Anshan, Shangtung, Beijing, and Shanxi, Chongqing, Shanghai, and Chiling Chin. ये हम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं जहाँ पर जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मौजूद है. ड्यूरिंग 2011 में देखते हैं तो चाइना स्मेल्टेड 683 मिलियन मैट्रिक टन आयरन, यानी उसने 683 मिलियन मैट्रिक टन को वो स्मेल्ट करता था, विच इज मोर देन 45% प्रोडक्शन ऑफ टोटल क्रूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जो दुनिया की टोटल क्रूज का 45% जो है वो चाइना पैदा करता है. और चाइना के बारे में, चीन के बारे में हमने कहा है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका नुमाया मुकाम है, और मैन्युफैक्चरिंग में इसकी पोजीशन जो है वो टॉप पे है. तो चीन में फौला साजी का आगाज 1905 में जापान ने किया था, जब ये उसकी नौ आबादी थी. फिर है सेकेंड वन है जापान. अब ये जापान देखें तो इसकी पैदावार 2016 में 104.8 मिलियन टन के करीब बताई गई है. तो जापान देखें तो जापान को विदाउट हैविंग एनी ऑफ द रॉ मटेरियल्स द ग्रोथ ऑफ जापानीज स्टील इंडस्ट्री इज इंडीड अ प्रीप्लेक्सिंग फिनोमिना. जापान सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन, इसकी क्या है, सेकेंड पोजिशन है इन क्रूड स्टील मैन्युफैक्चरिंग. During 2011, Japan smelted 108 million metric tons crude steel and 18 million metric tons pig iron. तो जापान के हवाले से हमने बताया कि जापान जो है ये दुनिया में फौलाद साजी की सनत में जो है वो दूसरे नंबर पर है. लोअर फौलाद की सनत में जापान ने पिछले चंद सालों में बहुत तरक्की की है और इस वक्त दुनिया के आम ममालिक में इसका शुमार होता है. 1980 में यूएसए से इसने सबकत हासिल की और रशिया की मौजूदा तकसीम के बाद जापान को अवलियत हासिल हो गई. जापान का ये एक अजीब और गरीब कारनामा है. जापान में लोहा बहुत कम और कोयला नहीं है, लेकिन दूसरी जंग अजीम में इसकी फौलाद साजी यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है. यानी दुनिया में अभी ये दूसरे नंबर पर है, यानी चाइना के बाद दूसरा इसकी पोजिशन. उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए. यूएसए आप देख लें तो पैदावार के लिहाज से इंडिया के बाद अब इसका इंडिया जो है वह थर्ड पोजीशन पर आ गया है. तो सबसे पहले हम इंडिया को ही देख लेते हैं. इंडिया के बारे में, इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1907 जब बरतानवी दौरे हुकूमत था. When Tata Steel was established in Sakchi, Jamshedpur, India possesses big iron ore, coal and limestone deposits which give birth to rapid steel manufacturing. Jamshedpur, Burnpur, Bhadravati, Rourkela, or Durgapur and Bokra are main steel smelting centers in China. During 2011, India crude steel producing was 72 million metric tons, while production of pig iron was 38 million metric tons. और 2016 में इसकी million tons में जो पैदावार है वो दिखाई गई है 95.6 million tons. यानी अब ये तीसरे नंबर पर आ गया. अब चौथे नंबर पर देखें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 78.5 मिलियन टन के करीब 2000 में इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की पैदावार थी. तो यूएसए को देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज
undergo a sea change throughout 350 years, and during this long period, distribution or special concentration of industries had also witnessed a massive change from one region to another. The major iron and steel manufacturing regions in USA, United States of America, में जो बड़े बड़े regions हैं वो आप कह सकते हैं कि इसके उसमें पिट्सबर्ग है, यंगस्टन है, यंगस्टाउन और व्हीलिंग एंड स्ट्रॉबिला, वाइल इन द लोअर ग्रेट लेक रीजन्स है, ग्रेट लेक रीजन्स में स्टील सेंटर्स आर लोकेटेड एट बफलो, एरे, क्लीवलैंड, डिट्रॉयट एंड लोराइन। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। तो इस क्वेश्चन ये भी आता है कि अक्सर आ जाता है कि यूएसए के जो इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो उसमें पिट्सबर्ग का इलाका है, झील एरे का इलाका है, झील मिशिगन का इलाका है, जनूबी एपेलेशन का जो पहाड़ी इलाका जहाँ कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, फिर सेंट्रल अटलांटिक ओशन का इलाका है, और जो आपकी डेथ वैली का एरिया है वहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मौजूद है। इसके बाद फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ पे रशिया है। रशिया देखें कि इन 1975 फॉर्मर यूएसएसआर बिकेम द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इन 1991 इट्स प्रोडक्शन डिक्लाइन। नाउ रशियन प्रोडक्शन इज इन फिफ्थ नंबर, फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर अमंग ऑल नेशंस। ड्यूरिंग 2011 इट्स क्रूड स्टील प्रोडक्शन वाज 69 मिलियन मैट्रिक टन एंड 48 मिलियन टन ऑफ पीक आयरन। द स्टील इंडस्ट्री फर्स्ट टुक बर्थ इन मॉस्को रीजन, सबसे पहले मॉस्को रीजन में, सम 300 ईयर्स बैक। एट प्रेजेंट इन सेंट्रल मॉस्को, टोला रीजन, टोला एंड गोरकी आर मेन स्टील सेंटर्स। यूराल माउंटेन्स रीजन इज अनदर मेन स्टील मैन्युफैक्चरिंग रीजन इन रशिया। रशिया में ये अहम इलाके हैं। तो चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर रशिया है, छठे नंबर पर आप देखें तो सिक्स नंबर पर आपके सामने साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया को भी अहम मुकाम हासिल है, जिसने जो है फौलासाजी में नुमाया मुकाम हासिल किया। साउथ कोरिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील एंड बिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड मार्केट। नाउ इट इज सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टील स्मेल्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग 2011 क्रूड स्टील एंड पिग आयरन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ स्टील को साउथ कोरिया वॉज 69 मिलियन मैट्रिक टन एंड 42 मिलियन मैट्रिक टन। कोरिया इज बिग इम्पोर्टर, ये इम्पोर्टर है ऑफ आयरन। इसके अपने आयरन और खाम लोहे के ज़ाहिर इसके पास नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से खाम लोहा मंगवाता है। तो साउथ कोरिया, ये देखें कि ये जापान के साथ, ये चाइना के साथ, ये साउथ कोरिया कहा जाता है। फिर है सेवेंथ पे जाएं तो जर्मनी है। अब जर्मनी देखें, इन 1990 आफ्टर री यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, द जर्मनी बिकेम वन ऑफ द मेजर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जर्मनी इज सेवेंथ लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन नेशन इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग 2016 इसकी पैदावार देखें तो 42.1 मिलियन टन में, मिलियन टन में है, जबकि 2011 में इसकी जो पैदावार थी वो 44 मिलियन मैट्रिक टन में थी, वाइल इट प्रोड्यूस मोर देन 29 मिलियन मैट्रिक टन पिग आयरन ये तैयार करता है। और इसके पास रोहर वैली है, अपर सिलिसिया है, और ग्रेट रोहर इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर है एट नंबर पर आप जाएं तो वो है टर्की। इसकी पैदावार जो है 33.2 मिलियन टन है 2016 में, फिर जो कि एशिया के अंदर
और यूरोप, यानी ये बॉर्डर पेयर है। फिर नाइन्थ नंबर पर आप देखें तो नाइन्थ पे ब्राजील है, जो कि साउथ अमेरिका का मुल्क है और उसकी पैदावार है 31.3 मिलियन टन। फिर टेंथ पोजीशन देखें दुनिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की पैदावार में, तो वो है 10वें नंबर पर। जिस मुल्क को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अहम का मसला है, वो यूक्रेन है। और यूक्रेन क्या है, अमंग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूक्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड। सदरन यूक्रेन इज मेजर स्टील स्मेल्टिंग सेंटर, यानी जो इसका सदरन यूक्रेन है वो इसका मेजर स्टील स्मेल्टिंग सेंटर है। उसके बाद 11th पोजीशन पर देखें तो वो है इटली है, और इटली को भी इटली है इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंट्री एंड इज स्टील मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स आर वेरी ह्यूज, इट्स स्टील प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कंट्री, यानी इसकी स्टील की अपने मुल्क की पैदावार नहीं है इसके पास। ड्यूरिंग 2011 इट्स क्रूड स्टील एंड पिक आयरन प्रोडक्शन वॉज 29 मिलियन मैट्रिक टन। मिलान, जिनोया, टारंटो, रोम और निपोली एंड बारी आर मेन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। फिर आप देखें तो 12th नंबर पे यहाँ जो मैप के अंदर दिखाया गया वो ताइवान चाइना, इसकी 21.8 मिलियन टन के करीब पैदावार है। फिर 13th पे देखें तो 13th पोजीशन जो है वो है मेक्सिको की, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान में, ये मेक्सिको तो ये एक मुल्क है 18.8 मिलियन टन। फिर 14th पोजीशन देखें दुनिया के अंदर टॉप 20 जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो उसमें 14th पोजीशन पर देखें तो वो ईरान है 17.9 मिलियन टन, ये पाकिस्तान के साथ। जबकि 15th पोजीशन पर फ्रांस है 14.4 मिलियन टन, और 16th पोजीशन देखें तो 16th पे आप कह सकते हैं कि 15th फ्रांस है, 16th स्पेन 13.6 मिलियन टन, 17th कनाडा जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नॉर्थ की तरफ वाक़ है, और इसकी पैदावार जो है 12.6 मिलियन टन है। जबकि 18th पोजीशन दी गई है पोलैंड को, जो कि रशिया के साथ है, 9 मिलियन टन। और 19th पोजीशन जिस मुल्क को दी गई है वो है वियतनाम, जो कि आप कह सकते हैं कि ये चाइना और इसके साथ साथ ये एरिया वियतनाम 7.8, और 20th पोजीशन जो है बेल्जियम के 7.7 मिलियन टन के करीब इसकी पैदावार है। तो ये मैप की मदद से मैंने आपको बताया कि दुनिया में टॉप 20 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्शन इन मिलियन टन इन 2016। अब हम प्रोडक्शन के लिहाज से 2011 में जिन ममालिक की पैदावार थी, तो चाइना जो है वो इसकी मिलियन मैट्रिक टन में बताई है, और ये पहले भी बता चुके हैं 683 मिलियन मैट्रिक टन। सेकंड जापान 108 मिलियन मैट्रिक टन। थर्ड अब जो है वो इंडिया आ गया, इसकी पैदावार जो है बढ़ के तीसरे नंबर पर आ गया ये, और फोर्थ पे जो है वो यूएसए है 86 मिलियन मैट्रिक टन। रशिया फिफ्थ पे 69 मिलियन मैट्रिक टन। सिक्स नंबर पर है साउथ कोरिया 68 मिलियन मैट्रिक टन। जर्मनी 744 मिलियन, यूक्रेन 36 मिलियन मैट्रिक टन, ब्राज़ील 35, इटली 29, टर्की 34, ताइवान 28, फ्रांस 16, स्पेन 15 मिलियन मैट्रिक टन, मेक्सिको 18। और टोटल जो प्रोडक्शन 2011 में दुनिया में आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 1341 मिलियन मैट्रिक टन के करीब इनकी पैदावार थी। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें टास्क जो हैं
जो इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो है, व्हाट आर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और हाउ आर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन और लोयर फौलाद से, यानी खाम लोहे से फौलाद या आयरन और लोअर फौलाद कैसे तैयार किया जाता है, और डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। इसमें आपने इंपॉर्टेंट कंट्रीज की डिटेल भी बतानी है कि उनके किन किन इलाकों में खाम लोहा पाया जाता है और वहाँ पर किन किन इलाकों में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मौजूद है। तो ये था आज का आपका लेक्चर 16। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।